हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी चटपटे जीरा आलू। बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। इसे आप टिफिन में दे सकते हैं और इसे आप पूरी, पराठे, चावल किसी के साथ परोस सकते हैं। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, झटपट से बनकर तैयार हो जाती है। चलिए इस सिंपल सी जीरा आलू की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। जीरा आलू बनाने के लिए हमने यहाँ पे 5 आलू ले लिया है। ये लगभग 400 ग्राम के बराबर होगा और इसे मैंने उबाल लिया है। इसे इतना ही उबालना है ताकि इसका छिलका बस निकल जाए, ज़्यादा नहीं उबालना है। इसे मैंने कुकर में 1 सीटी लगा के ले लिया है। इसका छिलका बहुत ही आसानी से निकल रहा है। अब इन सारे आलुओं को हम इसी तरीके से छिलका निकाल लेंगे। हम सारे आलुओं को इस तरीके से छिलका निकाल लेंगे। हमने आलुओं को कुकर में 1 सीटी लगा के लिया है। इसका छिलका बस आसानी से निकल रहा है। ये आलू अंदर तक ज़्यादा गला नहीं है। अगर आपका आलू ज़्यादा गल जाए तो आप उसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें तो आलू थोड़ा सा सख्त पड़ जाएगा। फिर आप जो ये रेसिपी बनाएंगे बहुत ही अच्छी बनेगी। हमने सारे आलू को छील लिया है। अब एक एक कर आलू लेते जाएंगे और इसे ट्रायंगल शेप में कट करते जाएंगे। आलूओं को ना ही ज़्यादा बड़े टुकड़ों में काटना है और ना ही ज़्यादा छोटे टुकड़ों में काटना है। इसे मीडियम साइज में ही कट कर लेना है इस तरीके से। और आलू को कट करने के बाद इस तरीके से टुकड़ों को अलग भी करते जाएंगे। आप चाहें तो इन आलुओं को लंबाई शेप में भी कट कर सकते हैं। हमने सारे आलुओं की कटिंग कर ली। अब एक बोल लेंगे और इसमें इन आलुओं को डालते जाएंगे। जो टुकड़े इस तरह से चिपके होंगे उसे अलग भी करते जाएंगे। अब इन कटे हुए आलुओं को बोल में लेने के बाद इसमें डालेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और 1/2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर। और इसमें कुछ भी मसाले ऐड नहीं करेंगे और साथ में नमक भी ऐड कर लेते हैं। अब इन आलुओं को मसालों के साथ तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि सारे आलुओं पर मसालों की अच्छी तरीके से कोटिंग हो सके। कर लेंगे मसालों की कोटिंग आलुओं पे बहुत ही अच्छी तरीके से हो चुकी है। इस जीरा आलू को मैं बहुत ही कम मसालों के साथ बना रही हूँ, पर यकीन मानिए इस तरीके से बनाए गए जीरा आलू बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। मसालों की कोटिंग आलुओं पे बहुत ही अच्छी तरीके से हो चुकी है। अब चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ, जिसके लिए मैंने एक कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई गर्म हो चुकी है। इसमें डालेंगे 2 चम्मच तेल और ये मैं सरसों का तेल ले रही हूँ। सरसों के तेल डालने से इस जीरा आलू का टेस्ट बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। सरसों के तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। तेल बहुत ही अच्छे से गर्म हो चुका है। गैस के फ्लेम को मीडियम कर लेंगे और इसमें डालेंगे 1 चम्मच भरकर जीरा और इसे हल्का सा ब्राउन होने देंगे। इसी के साथ थोड़ा सा मैं राई डाल रही हूँ। इसे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है आलू में। जीरा बहुत ही अच्छी तरीके से ब्राउन हो चुका है। तब मैं यहाँ पे ऐड कर लूंगी 1 पिंच हींग। आलू की सब्जी में हींग डाल लेने से आलू की सब्जी का टेस्ट कई गुना बढ़ जाता है। अब हम यहाँ पे मैरिनेट के लिए आलू डालेंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। अब इसे लगातार चलाते हुए 3 से 4 मिनट भूनना है। आलू को कढ़ाई में डाल लेने के बाद यहाँ पे ऐड करेंगे थोड़े से इस तरह से छोटे टुकड़ों में कटे हुए अदरक। अदरक को पहले नहीं डालेंगे नहीं तो अदरक जल जाएगा और इसका अच्छा सा टेस्ट नहीं आ पाएगा। और यहाँ पे 2 कटी हुई हरी मिर्च तीखापन के लिए। इस आलू की सब्जी में थोड़ा सा तीखापन अच्छा लगता है, इसलिए मैंने यहाँ पे हरी मिर्च और लाल मिर्च दोनों को ऐड किया है। आप तीखा अपनी पसंद के अनुसार कम या ज़्यादा रख सकते हैं। अब इन आलुओं को चलाते हुए 3 से 4 मिनट भूनेंगे। उससे ज़्यादा हम इन आलुओं को नहीं भूनेंगे और इन आलुओं को चमचा से हम ज़्यादा नहीं चलाएंगे। इस तरीके से कढ़ाई को उछाल कर हम इसे चलाएंगे। अगर ज़्यादा चलाएंगे तो आलू हमारी टूट सकती है। गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई रखेंगे और इसे 3-4 मिनट भून लेंगे। इस आलू में थोड़ा सा खट्टापन और चटपटा टेस्ट लाने के लिए यहाँ पे ऐड करेंगे 1/2 चम्मच आमचूर पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला। टेस्ट के लिए बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है आलू में। इसे भी आलूओं के साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इन आलूओं को भूनते ही लगभग 2 मिनट हो चुका है। तब हम यहाँ पे ऐड करेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी, जिसे हम क्रश करके डालेंगे, और बिल्कुल थोड़ा सा पुदीना का पाउडर। अगर आपके पास हो तो ज़रूर डालिएगा और नहीं हो तो इसे आप स्किप भी कर सकते हैं, पर पुदीना पाउडर हो तो उसे ज़रूर डालिएगा। बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है इस जीरा आलू में।
रखूंगी। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा चिली फ्लेक्स ऐड कर लूंगी, जिससे इसमें थोड़ा सा तीखापन भी आएगा और ये देखने में भी अच्छा लगेगा। अब इन सारी चीजों को मिक्स करते हुए लगभग एक मिनट और भुनेंगे। अब हम इसमें लास्ट में थोड़ा सा धनिया पत्ता ऐड करेंगे और इसे भी मिक्स कर लेंगे। मैंने धनिया पत्ता डाल लेने के बाद इस आलू को अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। ये हमारी सिंपल पर डिलीशियस सी जीरा आलू बनकर तैयार हो चुकी है। अब इसे सर्व कर लेते हैं। मैंने जीरा आलू को प्लेट में सर्व कर लिया है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा हमारा ये जीरा आलू बनकर तैयार हुआ है। आप भी इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, सबको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। इसे आप रोटी, पराठे, पूरी, चावल किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है खाने में। आप भी इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करने के बाद आपको ये रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपको इस जीरा आलू की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथ में चैनल पर नए हों तो प्लीज चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ।